सारी अनबॉक्सिंग होने वाली है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी स्टेशनरी अनबॉक्सिंग। उससे पहले और जो मैं आइटम्स इस स्टेशनरी अनबॉक्सिंग में लेने वाली हूँ वो आप अमेजोन पे भी परचेज कर सकते हैं। और अब मेरी ब्ला 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 सुनने के बाद अब चलिए शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट आइटम जो होने वाला है वो होगा पेंसिल। ये पेंसिल अच्छी है लिखने में और मैं ऐसा पूरा पैक लाई थी, फुल पैक। और अब इसको ओपन करके देखते हैं। और ये मेरी पेंसिल है, मैं अपना पूरा पैक लाई हूँ इस पेंसिल का। तो नेक्स्ट आइटम पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आइटम जो होने वाला है वो होने वाला है ये इरेजर्स। ये इरेजर्स बहुत ही अच्छी है। तो लेट्स अनबॉक्स इट। मैं साइड में से ही थोड़ा सा काटूंगी। और अब इसके अंदर से हम कोई एक इरेजर जो है दिखाते हैं। वाओ, देख सकते हैं इसके अंदर ऐसी फोर इरेजर्स आती हैं। एक बार मैं आपको ये ट्राई करके दिखाती हूँ अपनी पेंसिल पे। देखिए, वाओ, तो अच्छी हैं ये। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी लाइक का सिग्नल दे रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए। और यही हमारी आइटम थी। ओके, ये हमारी आइटम थी। ओके, अब हम नेक्स्ट आइटम को लाते हैं। नेक्स्ट आइटम होगा हमारे ये स्टिकी नोट्स। ये स्टिकी नोट्स, इनके अंदर 3 टाइप ऑफ कलर्स हैं। लेट्स अनबॉक्स इट। ओके, तो ये यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। ये कुछ इस टाइप के स्टिकी नोट्स हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छे से जो है स्टिक करते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट आइटम पे मिलते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट आइटम है ये ब्लेंड करने के लिए कलर्स को। और यहाँ पे भी एक ओपनिंग साइड दी गई है। और जब मैं कोई भी ऑयल पेस्टल आर्ट करूँगी इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अपने पे, तो मैं इनका यूज़ करूँगी। और आप भी देखिएगा मेरे आर्ट्स को और मेरे चैनल को। ये पेपर मेड ऑफ पेपर है और ये अच्छे भी हैं। यहाँ पे 6 तक नंबर है और ये अच्छे भी हैं, लाइक ग्रिप में भी अच्छे हैं। और हमारा नेक्स्ट आइटम होने वाला है डॉम्स के कलर्स। ये मैंने 2 परचेज करे थे और अब इनमें से मुझे कोई एक खोलना पड़ेगा, तो इसको छोड़ते हैं। वैसे भी ये नियॉन वाला तो मैंने पहले भी परचेज कर रखा है, तो नियॉन वाले को हम रखते हैं। इसको ओपन करते हैं। ओके, लेट्स ओपन इट। और ये बहुत ही अच्छे हैं, ये पूरी पैकिंग के साथ आते हैं। लेट्स ओपन इट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्री ब्रश वगैरह, तो लेट्स ओपन इट। तो इसके अंदर हमें मिलता है एक ये, तो हमें ये 1 एगिटेटर मिला है कलर को फैलाने के लिए। और इसके साथ 1 ये ब्लू सा ब्रश भी मिला है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हमारे पास ये कलर्स हैं, मतलब एक शेड लाइट है एक डार्क है। और यहाँ पे टोटल 12 कलर्स हैं। अब हम इसको, तो अब है मेरी ये 12 एक्रेलिक कलर्स। और ये भी आप ड्राइंग में हमारे में। और मैंने इसके लिए इतना मनाया था मम्मा को, वो बोल रही थी कि ये बड़े बच्चों के यूज़ के लिए होते हैं, पर मुझे भी चाहिए थे।
क्योंकि पसंद है एक्रेलिक कलर्स। अब हम देखते हैं इसके अंदर, यहाँ पे 12 शेड्स हैं एक्रेलिक कलर्स की। एक नोटबुक भी आती है, हम इसके अंदर सारे इसके इंस्ट्रक्शंस हैं। और यहाँ पे हैं ये सारे, अगर हमें डिफरेंट शेड्स बनाने हैं तो हम इसके ऊपर बना सकते हैं। और ये हमारे एक्रेलिक कलर, ये अच्छे हैं आप देख सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ ब्रशेज हैं। एक तो ये है, इनके ब्रशेज बहुत सॉफ्ट हैं, ऐसे मेरे पास 2 टाइप के हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है ये सॉफ्ट लाइन ब्रश पेन है। लेट्स ट्राई दिस। तो मैं पहले कलर लेती हूँ। तो मैंने ये जो है कलर लिया है पिंक, और अब हम इसके ऊपर इसको जो है ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं, वाओ, ये बहुत अच्छा चलता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 2 टाइप्स की जो है साइड्स दी गई हैं, एक है ब्राउन साइड और एक है प्लेन फाइन साइड, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 साइड्स दी गई हैं, अच्छी बात है। और हर बच्चे के पास ये होने चाहिए, क्योंकि ये वाटर कलर जैसे भी थोड़े थोड़े दिखते हैं और प्रोजेक्ट में भी काम आ सकते हैं। और नेक्स्ट मेरे पास है ये छोटे मोटे हाइलाइटर्स, इनको भी ओपन करते हैं हम। यहाँ पे टोटल 5 शीट्स दी गई हैं, आप देख सकते हैं 5। और ये बहुत ही सुंदर हैं, और अब मैं इनको भी ट्राई करूँगी। लेट्स ट्राई ग्रीन वन। तो अभी हम इस पर ट्राई करते हैं, इसको हम इसको कवर कर देंगे पूरा जो हमने लिखा था। अब देख सकते हैं कितने प्यारे चल रहे हैं, वाओ। तो ऐसे हमारे पास टोटल 5 शेड्स हैं। अब इनको रखते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे। और नेक्स्ट आइटम जो है ये है मेरा मार्कर, ये परमानेंट है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आइटम है मेरे ग्लिटर पेंस, और अभी हम इनको भी ट्राई करते हैं। तो मैं ट्राई करूंगी गोल्ड पिंक। यहाँ पे ये हमारी है पैलेट, आप देख सकते हैं कितने प्यार चल रहे हैं, देखो वाओ, ये बहुत प्यारे हैं। और इनके अंदर टोटल हमें 6 शेड चाहिए, मतलब 6 शेड हैं इसके अंदर, और अच्छे भी हैं ये, लाइक नॉर्मल ग्लिटर से ज़्यादा अच्छे हैं। मम्मा पैक ऑफ 12 लाई हैं, पर मैं आपको एक दिखा रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, देखिए। तो नेक्स्ट भी हम, और ये मम्मा ड्राइंग पैड लाई है जिसके अंदर मैं स्केचेस करूँगी, खूब सारी स्केचेस, क्योंकि मुझे स्केचेस पसंद है, बिल्कुल प्लेन वाइट है। नेक्स्ट भी हमारे पास है ये नोटबुक क्लासमेट की, ये भी मम्मा पैक ऑफ 12 लाई है, पर एक दिखाऊंगी एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है ये शीट्स, इसी शीट्स अच्छी हैं। और अब इनको ओपन करते हैं, थोड़ा देखते हैं इनका टेक्सचर। इनका टेक्सचर शीट्स का देख सकते हैं आप, और कलर भी इनमें बहुत सारे गिवन है, और टेक्सचर भी अच्छा है। और हमारी नेक्स्ट आइटम है ये डायरी, ये मिनी सी डायरी है, इसको भी अनबॉक्सिंग करेंगे इसके टेक्सचर के लिए, टेक्सचर देखेंगे।
लेट्स अनबॉक्स इट। तो यहाँ पे एक होल भी दिया गया था अनबॉक्सिंग के लिए। लेट्स अनबॉक्स इट। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आई लव स्टेशनरी। ओके, तो ये कुछ इस तरह का था और इसके अंदर ये नेम, एड्रेस और ये पेपर्स हैं। ये इसमें पार्टीशन दी गई हैं अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स बनाने के लिए, जैसे ब्लू इंग्लिश, ग्रीन हिंदी और रेड हमारा ईवीएस है, मैथ येलो। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये आर्ट नोटबुक। ये आर्ट नोटबुक बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्केचिंग के लिए दिया गया है और कलरफुल चीज़ें भी दी गई हैं, हाउ टू मेड। मैं इससे देख के अपनी नोटबुक में स्केच करूँगी, इससे सब स्केच करके देख के। तो नेक्स्ट मेरे पास से बहुत एक्साइटमेंट है मुझे इसके लिए, क्योंकि देखो ये कितनी मिनी है और मुझे बहुत पसंद आई। ये देखो प्लेन वाइट, वाइट पेज है और मिनी भी है, प्लेन है फॉर माय मिनी आर्ट स्केचेस हो सकती है, आर्ट हो सकती है। एंड इसका टेक्सचर, जो बाहर का जो टेक्सचर है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे पसंद आया। और नेक्स्ट मेरे पास ये लास्ट आइटम है हमारी स्टेशनरी का लास्ट आइटम, इसको भी अनबॉक्स करते हैं। ब्लैक स्केच पेपर पैड, और इसके अंदर जो भी शीट्स हैं वो सारी ब्लैक ब्लैक है, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर भी ब्लैक है, तो मैंने ये तो ज़रूरी लिए, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर हम चॉक से भी आर्ट बना सकते हैं, ऑयल पेस्टल से भी रेनबो आर्ट बना सकते हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। और ये थी हमारी आज की वीडियो, अब मैं वहाँ पर इंट्रो करूँगी। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मम्मा ने मुझे दिलाई हैं, और मेरी सबसे फेवरेट है मिनी डायरी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। और हमारी नेक्स्ट वीडियो आर्ट की होने वाली है, तो उसे भी देखना मत भूलना, पर पहले इस वीडियो देखना और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को अगर आप बिल्कुल नए आए हो। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।